नमस्ते सी स्कॉलर्स, आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी के कुछ सवैये। आपके पाठ का नाम है वन के मार्ग में। आपका पाठ 16 वन के मार्ग में। ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कुछ सवैये हैं जो उन्होंने लिखे थे। राम भक्त तुलसीदास ने जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास जा रहे थे तो उस समय के चित्र को वर्णित करते हुए कुछ सवैये बनाए। तो ये है तुलसीदास जी का पहला सवैया। हमारे भारतीय समाज में इन सवैयों को बड़ा गा के भक्ति के साथ बोला जाता है। पहला सवैया है, पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दय मग में डग द्वे, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुरा धरवे। फिरी बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी कहिरो कित हवे, तिय की लखी आतुरता प्रिय की, अखियां अति चारु चली जल च्वे। इन पदों में आने वाले कुछ कठिन शब्द ऐसे हैं, पुर मतलब नगर, ते से, निकसी निकले, रघुवीर वधु सीता जी के लिए कहा गया है, धरी मतलब धारण करके मतलब पहन के, धीर धैर्य धारण करना, दय रखना या धरना, मग मतलब मार्ग या रास्ता, डग कदम, तो हम कदम बढ़ाते हैं उन्हें हम डग बोलते हैं, द्वे दो, झलकी दिखाई दी, भाल मतलब ललाट जो हमारे सर का ऊपर का हिस्सा होता है ललाट, कनी बूंदे, पुट होठ, बूझती पूछती है, केतिक कितना। इसके कवि तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में उन्होंने वन के मार्ग में चलने से दुखी सीता के बारे में बताया है। जब वो अयोध्या नगरी से वन की ओर जा रहे थे, अपने पिता राजा दशरथ जिनके बेटे राम थे, वो अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जब वनवास के लिए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने पिता जो राजा दशरथ थे उनके वचनों को पूरा करना था। कवि कहता है कि श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता नगर से वन के मार्ग में बहुत धैर्य धारण करके निकली, मतलब जब वो नगर से वन की तरफ जा रही थी तो बहुत ही धैर्य के साथ निकली। वन के मार्ग में अभी वह दो कदम ही चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदे झलकने लगी, उनके मधुर होठ भी सूख गए। उसके बाद उन्होंने श्री राम से पूछा कि अभी कितनी दूर और चलना है, आप पत्तों से बनने वाली कुटिया कहाँ बनाएंगे, जंगल में उन्हें पत्तों की कुटिया बनाकर ही रहना था, तो इसलिए वो थोड़ी चिंतित थी कि और कितना हमें चलना है और आप पत्तों से कुटिया कहाँ बनाएंगे। पत्तों से कुटिया को हमने वहां पे बोला है पर्ण कुटी, ठीक है। तो उनके होठ सूख रहे थे, उन्हें पसीना आ रहा था, लेकिन फिर भी वो मन में धैर्य धारण करके अपने पति श्री राम के साथ चल रही थी। सीता की ऐसी व्याकुलता देखकर श्री राम की सुंदर आंखों से आंसू बहने लगे। तो ये है दूसरा सवैया, तुलसीदास जी का लिखा हुआ दूसरा पद। जल को गए लखनऊ, है लरिका परिखो प्रिय, छाह धरिक है ठाठे, पोछी पसेउ बयारी करो, अरुपाए पखारियो भूरिक ठाठे, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम, जानी के बैठी विलंब लो कंटक काटे, जान की नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बारिश बिलोचन बाड़े। इसमें आने वाले कुछ कठिन शब्द ऐसे हैं, लखनऊ मतलब लक्ष्मण, लरिका लड़का, परिखो मतलब परीक्षा करना या प्रतीक्षा करना या इंतजार करना, छाह छाया, धरिक मतलब एक घड़ी या एक मिनट हम बोलते, ठाठे खड़ा होना, पहुंची पहुंचकर, पसेउ पसीना, बयारी हवा, पाए पैर, पखारियो मतलब धोना, बुबुरी मतलब गर्म रेत, डाठे जल गए हैं, श्रम मतलब मेहनत थकावट, विलंब देर
कंटक कांटा, काढ़ना निकालना, नेहु प्रेम, लखियो देखकर, तनु शरीर, बारी पानी या आंसू, विलोचन आंखें, बाड़े भर आए। इस सवाई का सरलार्थ या भावार्थ या अर्थ ये है कि सीता श्री राम से कहती है कि जल लाने गए लक्ष्मण तो बालक ही है, लड़के ही है, उन्हें समय लग जाएगा, आप छाया में कुछ देर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करिए या उनका इंतजार करिए। मैं आपके पसीने को पोंछकर हवा कर देती हूँ, मैं आपके गरम रेत से तपे हुए चरणों को भी धो देती हूँ, क्योंकि जब वो वनवास के लिए गए तो वो नंगे पैर ही चल रहे थे, उनके पास चप्पल जूते ऐसा तो कुछ था नहीं, तो जो गरम रेत से उनके पांव गरम हो गए थे उन्हें मैं धो देती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर और सीता को व्याकुल देखकर श्री राम बहुत देर तक पांव से गड़े कांटों को निकालते रहे। श्री राम के हृदय में अपने प्रति प्रेम को देखकर सीता का शरीर पुलकित हो उठा और उसकी आंखों से आंसू रूपी जल बहने लगा। इस दोनों ही सवैयों में तुलसीदास जी ने वन में होने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया है कि कैसे श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी ने वन में कठिनाइयों को देखकर वनवास निकाला और साथ ही श्री राम और सीता जी के बीच के मधुर प्रेम और प्यार को भी बताया है। तो ये थे आपका पाठ वन के मार्ग में। धन्यवाद।